आपका स्वागत है पुणे में हैशटैग रोड ट्रिप विद रॉकी एंड एसटीटीवी 18 सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय महाराष्ट्र टूरिज्म अब पहुंच चुका है पुणे में। यह एक बहुत ही हिस्टोरिक सिटी, पेशवास का कैपिटल हुआ करता था 1674 के आसपास से लेकर 1818 तक। उससे पहले मुगल्स भी यहाँ थे, अहमदनगर डायनेस्टी भी यहाँ थी, तो बहुत सारी हिस्ट्री है पुणे के अंदर। लेकिन फिलहाल पुणे का सिचुएशन यह है कि यह है कल्चरल कैपिटल महाराष्ट्र का, लॉर्ड ऑफ कल्चर ओवर हियर, इस फिल्म इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और एजुकेशनल कैपिटल तो है ही। तो पुणे के अंदर कई बहुत पुरानी कहानियाँ हैं, लेकिन कई कहानियों में से एक कहानी जो स्टैंड आउट करती है वो है एक ईरानी कैफ़े की। छोटा सा ईरानी कैफ़े था, गुड लक कैफ़े, और इसको इतना प्यार करते हैं लोग कि ये जो चौक है अभी गुड लक चौक के नाम से जाना चाहता है। तो हुआ ऐसे कि कहते हैं 1935 में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास पर्चियाँ हैं 1935 से पहले, इवन 1924 की। तो यह एक बहुत ही पुराना हिस्टोरिक कैफ़े, यहाँ पर जो यंग स्टूडेंट्स आया करते थे एक टाइम पर, अब पास आउट करके रिटायर करके यहाँ पर फिर आते हैं और सुबह बैठ के अपना बन मस्का और चाय पीते हैं। बहुत कहानियाँ हैं गुडला कैफ़े की, तो आइए थोड़ी कहानियाँ सुनते हैं, पूरे के बारे में कुछ और जानते हैं और आपको टेस्ट कराते हैं गुडला कैफ़े की ईरानी फेवरेट्स ऑल राउंड बेस्ट, एटलीस्ट हमने तो यही सुना है, आइए देखें। तो हमने ऑर्डर किया कुछ पुराने फेवरेट्स, कुछ नई चीज़ें, और देखते हैं क्या क्या है टेबल पे। अभी सबसे पहली चीज़ जिसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ वो है मटन कटलेट। और मटन कटलेट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आप कोलकाता भी जाएँ तो वहाँ भी आपको एक बड़ा पुराना फ्लेवर का मटन कटलेट मिल जाएगा। और गुड लक कैफे का मटन कटलेट बड़ा पुराना स्टाइल, किसी ज़माने में ये अंग्रेज़ हुआ करते थे, इनमें मसाले वसारे नहीं होते थे, बड़ा सिंपल हार्टी मटन का कटलेट बनता था। लेकिन अब यह है 100% इंडियन, यानी मसाला, हरी मिर्च, पंच और एक पुराना फ्लेवर जो सालों साल इम्प्रूव होके क्लाइंट्स के टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को बोल्ड कर लेता है। इसके बाद ईरानी चाय बहुत ही फेमस, अब ये कुछ खास ईरानी नहीं है, इसमें टी बैग के साथ मिलती है चाय, थोड़ा सा लेमन डालिए, बहुत ही सिंपल। लेकिन यहाँ की चाय बहुत मशहूर है, मेरे लिए नहीं क्योंकि बहुत चाय पी चुका हूँ सुबह से, आई डोंट हैव एनी मोर। मैं थोड़ा सा गला हो रहा हूँ, ये देखिए ज़रा पास आइए, ये देखिए इसको बोलते हैं टैन। पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ, सन बर्न थोड़ा सा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो महीने में निकल जाएगा। तो सिचुएशन बहरहाल यह है कि ये बहुत ही एक अच्छी डिश है यहाँ पर, दिस इज़ द मशरूम मसाला। और ये जो मशरूम मसाला है ये कोई मामूली मशरूम मसाला नहीं, दिस इज़ गॉट लार्ज चंक्स ऑफ मशरूम, और दो या तीन लोग इसको आराम से खा सकते हैं अगर आप इसे ब्रेड एंड बटर के साथ पिक करें तो। ब्रेड एंड बटर यहाँ का इतना फेमस क्यों है, कई लोग हैं जो सिर्फ ब्रेड एंड बटर और चाय ऑर्डर करते हैं, यानी ऑर्डरी चाय डिप करके ब्रेड एंड बटर खाया, डन। देखिए कितना सॉफ्ट है ब्रेड, इट इज़ सो डेलिकेट, सो सॉफ्ट, एकदम फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, मुँह में पानी सा आ रहा है, ब्रेड की खुशबू आ रही है ऑल थ्रू द एयर, आ हा हा हा। इसके अलावा स्पेशल पनीर भुर्जी विच इज़ फैंटास्टिक, अगेन फ्लेवर्स हाइटेंड हैं, स्पाइसेस हैं, मसाला है, बाइट है, मराठी पैलेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कैरेक्टर में ईरानी है लेकिन टेस्ट अब बदल चुके हैं। ये है यहाँ की बड़ी फेमस ब्रूम ब्रेड, और ब्रूम ब्रेड फेमस इसलिए है क्योंकि ये आपको मिलती है बटर एंड जैम के साथ, वेरी सिंपल जैम, इतनी पॉपुलर है कि जब आप एंट्रेंस पे जाएं तो एक बड़े सारे पतीले में खूब सारा मस्का या मक्खन और जैम पड़ा हुआ है, जैसे जैसे ऑर्डर आते जाते हैं और लगा के हैंड आउट करते जाते हैं बहुत तेज़ी से। ये घंटी है कॉल बेल, जब बॉस किसी को बुलाना चाहते हैं। देखो जी, बचपन की जो यादें हैं, जब मैं बच्चा था, काफ़ी साल गुजर गए इस बात को, तो तकरीबन करीब 48 साल पहले जब मैं आया करता था ऐसी जगहों में, तो मेरा बड़ा मन होता था कि बटर एंड जैम विद ब्रेड मिल जाए, क्योंकि हमारे टाइम पे डिज़र्ट्स वगैरह बहुत रेयर होते थे, और होते भी थे तो बड़े महंगे होते थे, तो लोग पैसे बचा के चलते थे उन दिनों में। तो बटर एंड जैम ओल्ड फेवरेट, अगेन ब्रेड वेरी सॉफ्ट बेक होती है, यहाँ पे लोग आते हैं कि सिर्फ ब्रेड खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ का जो हिट रहेगा मेरे लिए, और ये मेरी सबसे पुरानी मेमोरी है गुडला कैफ़े की, 70s में मैं आया था पहली बारी यहाँ पर, और ये है कि डबल, यानी डबल रोटी, ब्रेड या पाव, और उसके साथ मटन कीमा, सो
शुपम। पुरानी ईरानी इटरीज में कीमा पाव या एनीथिंग टू डू विद कीमा मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा। सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी मेरे हिसाब से तो कीमा रहता है। तो चिकन ऑर्डर करें या मटन, कीमा ज़रूर मिलना चाहिए आपको साथ में, बिकॉज दैट मेक्स एवरीथिंग फैंटेस्टिक। और भी कई डिशेज हैं इवॉल्व, लेकिन कई पुरानी डिशेज हैं जैसे कि ये लिवर एंड एग। तो ये लिवर एंड एग मसाला, शानदार मसाला लिवर और एग के साथ, बड़े बड़े चंक्स इसमें लिवर के जैसे आप देख रहे हैं। सो वेल कुक्ड कि लिवर एकदम सॉफ्ट हो गया है, ऑलमोस्ट लाइक अ पेस्ट, लाइक अ पाते। तो आप बेशक वेजिटेरियन चॉइसेस पिक करें या मीट चॉइसेस पिक करें, चॉइसेस आपके पास बहुत हैं। इवन अ सिंपल थिंग जैसे फ्रेश लाइम सोडा है, इसका भी स्वाद आपको बिल्कुल अलग, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग और यूनिक मिलेगा गुड लक कैफे में। ईरानी या पारसी कैफेज जो हैं, इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र के फूड सीन में, खासकर मुंबई और पुणे में। ये दो पारसियों के गढ़ हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर जो पारसी कैफेज थे, ये डिक्टेट करते थे कि कूल क्या है, खाना क्या है, टेस्ट कैसा होना चाहिए, और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। इसके अलावा जो इनकी डिशेज थी वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर सारी की सारी अब मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं। जो हार्ड कोर ईरानी कैफेज हैं जो आपको मुंबई में भी मिल जाएंगे, कई पुणे में भी मिल जाएंगे, उनका फ्लेवर अलग है। लेकिन कैफेज जो हैं ये बहुत इन्फ्लुएंस किए जाते हैं पब्लिक और कस्टमर्स की डिमांड्स पे। तो यहाँ पर आके आपको सस्ते से सस्ता चाय और बनमस्का मिल जाएगा, और महंगे से महंगा मटन कटलेट, कीमा वगैरह ये सब भी अवेलेबल है। सो इनका रोल अंडरप्ले नहीं किया जा सकता, बहुत महत्वपूर्ण रोल है फूड सीन में और कल्चर में। तो एक बहुत ही शानदार ईटरी, अभी खैर थोड़ा लेट हो गया, ऐसे लोग जा चुके हैं, हम अकेले बैठे हैं, अब हम अपनी शाही फीस्ट इन्जॉय करेंगे। आप अगर पुणे आएँ तो याद रखिए गुड लक चौक पर ज़रूर आइए, और गुड लक कैफ़े में आकर ये सब चीज़ें मस्त होकर रिलैक्स होकर ट्राई कीजिए खूब टाइम लेकर। एक चीज़ जो आपको खानी है, रिमेंबर पनीर एंड मशरूम मसाला एंड कीमा पाव, वेरी इंपॉर्टेंट।